एक और वीडियो पे आ चुके हैं, तो आपने टाइटल देख लिया होगा, तो टाइटल स्क्रीन करने की कोई जरूरत तो है नहीं। लेकिन आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा नहीं। तो आज की वीडियो को मैंने अपनी दीदी को दे दिया है, तो आप उनसे अपनी जो भी आपकी क्वेरी था उनसे पूछ सकते हैं। तो अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने ब्राउजर पर, गूगल क्रोम पर। नाउ हम यहाँ पर हम लिखेंगे निनिट। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर आप कोई भी ऐप बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहीं से हम अपना पाइथन इंस्टॉल करने वाले हैं। अब मैं आ गई हूँ उस साइट पर, निनिट की साइट पर। देखिए कितने सारे ऐप्स एंड एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे करने हैं यहाँ पर पाइथन का सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 64, और ये मैं ये वाला करूँगी क्योंकि मुझे 64 में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आती है, तो मैं ये वाला करने वाली हूँ जिसमें मुझे 32 बिट का ही है। नाउ यहाँ पर एक ऑप्शन खुला है गेट योर निनिट, इस पर क्लिक करेंगे। 64 32 बिट में कोई ऐसा कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो स्टोरेज डिफरेंस है। अब यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ, अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है इसकी। मैंने पाइथन क्या है 32 बिट वाला, और अगर मैं 32 बिट का पाइथन करूँगी तो SQL भी 32 बिट का ही करूँगी, 64 का नहीं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 32 बिट का ही करें। तो हमारा हो चुका है पूरा, ये फिनिश्ड लिखा आ गया है। इसे मैं अब क्लोज़ कर देती हूँ और मैं चेक करती हूँ मेरा पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं। मैं विंडो की पे गई हूँ और देन अपना पाइथन सर्च करती हूँ। ये देखिए हो गया है, यहाँ पे आइडियली पे क्लिक करा। और अब जैसे मैं इस पे कुछ भी रन करके दिखाती हूँ, मैंने ए को 1 रखा है, बी वेरिएबल को 2, सी मैं बोल रही हूँ कि वो ए प्लस बी है, मैं चाहती हूँ सी। तो ये देखिए यहाँ पे 3 लिखा आ गया, मतलब मेरी पाइथन शेल वर्क कर रही है, इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम बात करते हैं माई SQL कैसे डाउनलोड करना है। माई SQL में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो भी इजीली डाउनलोड हो सकता है। उसके लिए भी हमें क्रोम पे जाना है और लिखना है माई SQL इंस्टॉलर। अब सबसे पहले यहाँ पर शो कर रहा है डाउनलोड माई SQL इंस्टॉलर और फिर लिखा माई SQL, तो हम इस वाले लिंक पे जाएंगे माई SQL इंस्टॉल करने के लिए। अब जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया तो मेरे को 2 ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, विंडो 32 बिट्स के हैं दोनों, बट एक में 2.5 M दे रखा है और एक में दे रखा है 405.2 M। हमें ये वाला करना है, नीचे वाला। मैं डाउनलोड्स पे क्लिक करूँगी और लिखूँगी नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, इस पर मैं क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे कॉर्नर पे मेरा शो हो रहा है माई SQL इंस्टॉलर इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा माई SQL के लिए आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर नेटवर्क थोड़ा सा भी वीक हुआ ना तो ये बहुत प्रॉब्लम करेगा इंस्टॉल होने में, डाउनलोड होने में इतना प्रॉब्लम करेगा, तो इंस्टॉल होने में कितना करेगा। अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है, अब मुझसे परमिशन मांग रहा है, तो मैं यस पे क्लिक कर दूंगी। अभी थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। फाइनली मेरी स्क्रीन खुल गई है इंस्टॉलिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले ही पूछ रहा है मुझे किस टाइप का माई SQL इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ डेवलपर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर रही हूँ। अगर आप अभी सीख रहे हैं माई SQL या फिर आप अभी स्कूल पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन खुली है, पाथ कॉन्फ्लिक्ट्स, हमें यहाँ कुछ नहीं करना, हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर ये कुछ वार्निंग दे रहा है, तो हम यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। नाउ अगेन नेक्स्ट, फिर यस, और अब हमें ये सब कुछ इंस्टॉल करने के लिए इसे एग्जीक्यूट करना होगा। मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया है। अब धीरे धीरे सारी ये सर्वर, वर्क बेंच, माई SQL शेल, रूटर, कनेक्टर सब यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। कुछ
चीज़ें इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम लगेंगे, जैसे वर्क बेंच हो गया या फिर इनमें से एक दो ऐसे हैं जो टाइम लगाएंगे, लेकिन बहुत ही आसानी से ये इंस्टॉल हो जाएगा। और नेटवर्क कनेक्शन अगर वीक हुआ तो ये और टाइम लगाएगा, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि इंस्टॉल नहीं होगा, लेकिन अगर वीक नेटवर्क कनेक्शन है तो थोड़ा टाइम लेगा, तो आप उस चीज़ के लिए रिलैक्स रहें और थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस, और कोई बात नहीं है। ये माई एस क्यूएल शेल भी थोड़ा टाइम लेगी इंस्टॉल होने में, क्योंकि इसी पे हम सारा वर्क करने वाले हैं जब हमारा माई एस क्यूएल इंस्टॉल हो जाएगा तो। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, इस बात के लिए कंफ्यूज ना हो, जैसे यहाँ पे लिखा है कनेक्टर, तो कुछ लोग सोचते हैं कि कनेक्टर का मतलब है माई एस क्यूएल कनेक्टर विद पाइथन, और वो सोचते हैं कि इसमें तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया था, हमें दोबारा वो इंस्टॉल नहीं वाला करना पड़ेगा। कनेक्टर नहीं है, ये कनेक्टर किसी और चीज़ के लिए है। हमें अगर माई एस क्यूएल कनेक्टर विद पाइथन करना है तो उसके लिए अलग से कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम ये वाले कनेक्टर्स तो माई एस क्यूएल के कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये यहाँ पे फेल लिखा आ रहा है, आप टेंशन ना ले, कभी कभी हो जाता है, कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं होती, पर हर चीज़, कोई बात नहीं, वो आगे हम देख लेंगे अपने आप। वैसे तो सारी चीज़ें इजीली इंस्टॉल हो ही रही हैं, बस इसने वर्क बेंच ने और शेल ने ज़्यादा टाइम लिया था, बाकी सब तो फास्टली हो रहा है सब। नाउ हम अब सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमें इसका कुछ नहीं करना, टाइप एंड नेटवर्किंग सिर्फ कुछ बताना चाह रहा है यहाँ पे, बस हम नेक्स्ट पे क्लिक करने वाले हैं। नाउ अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर से। अब ये पूछ रहा है कि आपको अपना माई एस क्यूएल का पासवर्ड क्या रखना है, रूट पासवर्ड क्या रखना है। तो एक ऐसा पासवर्ड रखें कि आप इजीली उसे रिमेम्बर रखें, क्योंकि अगर आप उसको भूल गए तो माई एस क्यूएल ओपन नहीं कर पाएंगे और बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। तो एक ऐसा पासवर्ड रखें जो आपको याद रहे। तो मैं अपना पासवर्ड लिख रही हूँ, मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया है और मैं चेक कर रही हूँ। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया है, देन फिर से नेक्स्ट। नाउ अभी फिर से कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करने की बात कर रहा है, तो मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ। अब यहाँ एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट एंड नाउ फिनिश देन नेक्स्ट। और अब ये पूछ रहा है कि आपने जो आपका जो पासवर्ड था जो आपने पहले डाला था और जो अभी अभी हमने चेक किया था, वो पासवर्ड डालें और चेक करें दोबारा से। और मैं चेक पे करती हूँ, तो उसने चेक किया, पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अगेन एग्जीक्यूट। ये जो रनिंग स्क्रिप्ट्स वाला जो हमने एग्जीक्यूट किया है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हो गया, अब हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे, देन अगेन नेक्स्ट फिनिश। और अब ये माई एस क्यूएल की एक शेल खुली है, बट अभी वैसे मैं इसे काट रही हूँ, और अब हम चेक करते हैं हमारा माई एस क्यूएल इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो हम अपना सर्च करते हैं माई एस क्यूएल विंडो की से। ये देखिए, इसमें आ रहा है माई एस क्यूएल कमांड लाइन, तो मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। और अब यहाँ पर वो पासवर्ड डाले जो अभी अभी हमने दो बार जो पासवर्ड डाले थे ना, वो ही वाला। और एंटर कर दे, और हमारा माई एस क्यूएल शेल वो भी वर्क कर रही है। मैं एक दो कमांड डाल के दिखाती हूँ, जैसे मैं देखती हूँ इसमें कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। शो डेटाबेसेस, तो ये माई एस क्यूएल के इनबिल्ट डेटाबेसेस हैं, इन्फॉर्मेशन स्कीमा माई एस क्यूएल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब हमारा माई एस क्यूएल भी इंस्टॉल हो गया है। अब हम करते हैं माई एस क्यूएल कनेक्टर विथ पाइथन, जो कि बहुत बड़ी सरदर्दी है जैसे इंस्टॉल करना, लेकिन वो भी हम इजीली इंस्टॉल कर लेंगे। हम दो स्टेप्स करेंगे बस, और उसी में हमारे इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगी अपने सर्च बार पर IDLE। यहाँ देखिए, या तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर भी लिखा आ रहा है ओपन फाइल लोकेशन, इस पर क्लिक कर दीजिए। देन हमारा ये फाइल लोकेशन खुल गया है इसका, फिर से ये IDLE शो कर रहा है, इस पर फिर से राइट क्लिक कीजिए
और ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कीजिए। अब ये जो हमारा एड्रेस बार आया है इसके यहाँ साइड में, इस साइड पे क्लिक करिए और लिखिए CMD और कर दीजिए एंटर। अब हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल चुका है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी एक कमांड जो कि आपको एज इट इज़ लिखनी है, पाइथन स्पेस फिर माइनस एम स्पेस देन PIP पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस MySQL माइनस कनेक्टर माइनस पाइथन। आपको ये वाली लाइन एज इट इज उतारनी है और देन एंटर कर देना है। तो वो कुछ डाउन मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर आपका इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो कुछ वाइट लाइन सी दिखाएगा डाउनलोडिंग की, देन ये वार्निंग लिखी हुई आएगी। इस वार्निंग को अवॉइड करें, कुछ नहीं है और आपका कनेक्टर भी इंस्टॉल हो गया है। इसे कट कर दीजिए। अब ये चेक करने के लिए हमारा कनेक्टर इंस्टॉल हुआ है या नहीं, हम फिर से अपनी पाइथन शेल खोलेंगे और इस पे लिखेंगे इम्पोर्ट MySQL.connector और एंटर करेंगे। यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं हुआ है, मतलब ये वाला मॉड्यूल हमारा इंस्टॉल हमने कर लिया है। अगर ये मॉड्यूल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हुआ होता तो ये वाली जो कमांड है हमें एरर शो करती। जैसे अगर मैं कोई भी ऐसी ही लिख देती हूँ MySQL, और मैं यहाँ पे डॉट नहीं लगा रही, अब कनेक्टर ऐसे लिख रही हूँ, एंटर कर रही हूँ, तो एरर शो कर रहा है। क्योंकि ऐसा कोई मॉड्यूल ना तो होता है और ना हमने कर रखा है। हमने मॉड्यूल MySQL.connector करा था और उसमें कोई एरर शो नहीं करा था। इसका मतलब है कि हमारा MySQL कनेक्टर भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पे दबा देना। और आपको अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, इस बार मेरी सिस्टर जवाब देंगी। तब तक के लिए गुड बाय बाय।